महीने के अंत में जो जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं उनको देख के हमको ये पता लग जाएगा कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 5% से कम होने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी डामाडोल है आजकल। तीन क्षेत्रों की मैं बात करूंगा। कृषि क्षेत्र जो है वहाँ हालत कुछ ठीक नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हालात ठीक नहीं है, और निर्माण कंस्ट्रक्शन का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी चीज़ें डगमगाई हुई हैं। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में तो वो करीब 14-15% फीसदी के तक है, मगर अगर आप ये देखें कि कितने लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो करीब करीब 45% लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसान भी उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, एक होलसेलर भी उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसका सारा जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है वो रिटेलर, एक उपभोक्ता और एक रेस्टोरेंट या होटल ओनर पे भी पड़ रहा है। अगर हम प्रगति का आर्थिक इतिहास देखें तो जो लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कृषि से निकलकर और क्षेत्रों में काम करने लगते हैं, और ऐसा होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो निर्माण का क्षेत्र है वो आगे बढ़े। जब निर्माण का क्षेत्र आगे बढ़ता है तो काफ़ी नौकरियां ऐसी पैदा होती हैं जिनमें जो लोग कृषि में काम कर रहे हैं वो ये नौकरियाँ कर सकते हैं। ऐसा भी भारत में हो नहीं रहा है। रियल इस्टेट एक इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जहां स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग बहुत काफ़ी काम करते हैं। तो जब मंदी आती है रियल इस्टेट में, ये 250 इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और वो बहुत नेगेटिव बात है। जो फ्लैट्स या घरों के जो दाम हो गए हैं भारत के बड़े शहरों में वो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, और एक आम भारतीय आदमी अब इन फ्लैट्स को नहीं खरीद सकता। अगर हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र को देख लें तो ऑटोमोबाइल का मतलब केवल कार नहीं है, जैसे बाइक्स की बिक्री गिरी है, मोपेड्स की बिक्री भी गिरी है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि निजी खपत जो प्राइवेट कंजम्पशन है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सारा जो प्रभाव है इसका कारण एक तो आर्थिक मंदी जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी का कारण रहा है। पिछले 2 साल से निरंतर गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की वजह से हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की वजह से हो,
चाहे वो रजिस्ट्रेशन इंक्रीज की वजह से हो ये रहा है कि लोगों को अपने इकोनॉमिक फ्यूचर में जो विश्वास था पहले वो नहीं रहा, और जब ऐसा होता है तो लोग अपनी खपत जो है वो कम करने लगते हैं और पैसे बचाने की कोशिश करते हैं थोड़ी।